इंटरेस्ट ऑफ योर्स क्लियर है। सो क्या करेंगे प्लीज समझने की कोशिश करेंगे बेटा, यहाँ से 1 2 3 मैं एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग बाई R1 से एक्सपेंड करते हैं बेटा, R2 से भी कर सकते हैं आप, R3 से भी कर सकते हैं, सबसे वैल्यूज आपके पास सेम है ठीक है। सो अब हम यहाँ से एक्सपेंड करते हैं बाई R1 के थ्रू, एक्सपेंड करेंगे तो कैसे, अभी आपने 2x2 ऑटो को एक्सपेंड करना सीखा ठीक है, यानी कि अब यहाँ से 3x3 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, चलिए आइए क्लियर एलिमेंट इसको उठाते हैं, 1 को जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास ये टेंट आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा एक अंदर किया है, अंदर यानी कि जैसे 2 0 6 4 2 यहाँ से समझ आ गया, यानी किसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, हमारे पास ये आ गया जी क्लियर। हाँ अगला क्या देंगे जी, जब भी मेटल वाले वैल्यू रहता है तो माइनस आता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों आता है, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ यहाँ पर, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स लाइक होते क्या हैं, नोटेशन ऑफ A11 A12 A13 ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 एंड ऑफ A33 क्लियर है। अब आप भी देखेंगे कि ये दोनों मेरे पास डिटरमिनेंट हैं, तो इनके जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं उनकी नोटेशन क्या है, 1 1 की मेरे पास नोटेशन क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो इट इज 1 1। 2 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, A12, तो इसी के बिहाफ पे आप लोग देखेंगे अगर मैं इसको लिखूँ बेटा तो -1 की पावर कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना है, लोअर कॉलम 1 प्लस 1, तो नेगेटिव की पावर अगर इवन आ जाए तो मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर होगा, सो मैंने यहाँ पे 1 2 पॉजिटिव लिया, अच्छे से आप देख पा रहे हैं क्लियर। अगर मैं 2 की बात करता हूँ, इसकी अगर 2 की बात करते हैं तो मैंने नेगेटिव किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ 2 का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट कितना है, 1 2। सो यहाँ से अगर हम इसे लेते हैं बेटा तो -1 की पावर 1 प्लस 2, बेटा देखो -1 की पावर क्या आ गया मेरे पास, अगर मेरे पास एक ऑड वैल्यू आ गई सो मेरे पास यहाँ से नेगेटिव वैल्यू रहेगी, नेगेटिव पावर ऑड नेगेटिव वैल्यू, जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो आपने ध्यान दिया मैंने आपको माइनस लगाया, ये मैंने आपको स्ट्रॉन्ग रीजन दिया कि यहाँ पर माइनस क्यों आया, ऑलमोस्ट एचआर टीचर बोलते हैं कि आप याद कर लेंगे कि पहला पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव थर्ड पॉजिटिव, बट मैंने आपको रीजन दिया कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज ऑफ इसका जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट है -1 की पावर 1 प्लस 2, उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं, 1 3 है, -1 की पावर 1 प्लस 3 नेगेटिव पावर, इवन आ गई तो हम यहाँ पे करेंगे अगली वैल्यू में पॉजिटिव क्लियर, हमें यहाँ पे लगाया समझ में आ गया आपको। चलो एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, 2 के बारे में बात करते हैं, इसको छोड़ देंगे लोग, इसको छोड़ देंगे क्या बच गया हमारे पास बेटा, चल रहा बताइए 4 0 5 2 सबको समझ में आ गया बेटा, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, क्या बच गया 4 0 5 4 2 चलें। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 3 और यहाँ से देखेंगे इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा 4 2 5 4 6 4 2 5 4 6 क्लियर है, हाँ जी दिखाई दे रहा है अच्छे से, वेरी गुड। सो यहाँ से बस इसको आप जैसे आपने 3x3 एंड डिटरमिनेंट को मैंने ब्रेक कर दिया इस हिसाब से कि अब हमारे पास 2x2 में डिटरमिनेंट बन गया, देखिए एक बार अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको कराया था
तो वही चीज़ यहाँ पे बन गई, तो उसी टाइप से इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे और यहाँ से हमारे पास थ्री बाई जीरो की डेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से बेटा इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कैसे करते हैं, टू या फोर, क्लियर, फोर यहाँ से जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और फोर जीरो, क्लियर, यहाँ से कितना आएगा माइनस टू, इसको एक्सपेंड करो बेटा सवाल, यहाँ से फोर एट और माइनस जीरो, यहाँ से कितना आएगा प्लस और थ्री, और बेटे यहाँ से करेंगे तो कौन बताएगा वैल्यू, ट्वेंटी फोर और माइनस ऑफ टेन, इसको मल्टीप्लाई सबट्रैक्शन एडिशन करेंगे आपके पास स्टेटमेंट की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो अब अगले टॉपिक देखते हैं जी, अगले टॉपिक का हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने टू टाइप्स के इसमें एक्सरसाइज 4.1 के बाद चल रही है, तो टू टाइप्स के क्वेश्चन मैंने लिए इसमें, सबसे पहले एक्सपेंड आएगा तो हमें कैसे करना होता है, आप कर लेंगे अच्छा। ठीक है, उसके बाद में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बिल्कुल डिटरमिनेंट दे रखता है इक्वल टू दिस वैल्यू, उसी के साथ मैं बोल दूँ अगर मेरे पास कोई डिटरमिनेंट इट इज सिंगुलर दे रखा है तो सिंगुलर का मीनिंग सब क्या समझेंगे, सिंगुलर का मतलब होता है डिटरमिनेंट इसके इक्वल होता है जीरो के। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लिया, यहाँ से भी वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लिया, फटाफट निकाल लिया, एक्सपेंड कर लो फटाफट, वही टेक्निक क्या तुम आपको चलना है, एक्सपेंड करेंगे करना आ गया, इट इज थ्री एक्स, यहाँ से माइनस ऑफ टू इक्वल टू फाइव, थ्री एक्स यहाँ से बेटा इंक्लूड कर जाएगा तो फाइव प्लस टू सेवन, तो एक्स की वैल्यू टू सेवन होगा, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। उसके बाद अगर वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सिमिलर है तो इक्वल टू जीरो होगा, सेम है, एक्सपेंड कर दें टू एक्स, यहाँ से कितना आएगा बेटा माइनस फोर ट्वेंटी, सो इक्वल टू जीरो, और टू एक्स इक्वल टू कितना आएगा बेटा ट्वेंटी, एक्स की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी आ गई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में चलेंगे, बेसिक मैंने आप लोगों को क्लियर किया है तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप निकाल के लाएंगे, कंसर्न कर लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टॉपिक्स वेरियस टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हमारे पास आते रहेंगे बेटा। सो अभी मैंने आपको सिर्फ अपनी डेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट इज डेटमेंट अगर डेटमेंट आता है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, सो अगले टॉपिक में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और इतने में आई होप कि मैं आशा करूँगा कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे, और जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था शायद वो आप समझ पाएंगे आशा करता हूँ, और गॉड ब्लेस यू बेटर, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका नेक्स्ट वेरिएशन स्टार्ट करेंगे।